आज भारी गिरावट देखी जा रही है सोने में। बात यहां पर आज सोने की करेंगे, जहां पर और भी गिरावट अब गहराती हुई नजर आई है। क्या ये खरीदारी के सही मौके हैं या फिर और गिरावट का इंतजार करना चाहिए? क्या वजह रही सोने के दाम में गिरावट की? क्या सोना और सस्ता होने वाला है? और अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो क्या आपको सोना इस भाव पर खरीद लेना चाहिए या और दाम घटने का इंतजार करना चाहिए? करने वाले हैं गोल्ड की, याद कीजिए पिछले हफ्ते को याद कीजिए, जब गोल्ड एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि इसी महीने 60,000 के लेवल को छू लेगा, 59,000 के बेहद करीब पहुंच चुका था गोल्ड, 58,800 के ऊपर चला गया था ग्लोबल मार्केट में, $1,970 के ऊपर चला गया था 2 फरवरी को गोल्ड का भाव, बड़ी तेजी हमने गोल्ड में देखी थी, लेकिन अचानक वहां से कहानी पलटी है और अब देखिए मार्केट उस लेवल से $110 तक गिर चुका है ग्लोबल मार्केट में, और इंडियन मार्केट में करीब करीब 2300 रुपए की गिरावट गोल्ड की कीमतों में आ चुकी है। तो सवाल यह है कि आखिर अचानक इतनी तेजी से क्या बदला जिससे गोल्ड के दाम गिर गए? तो कुछ तो वजह बिल्कुल साफ है, एक तो अमेरिका में जो रोजगार के आंकड़े आए बहुत बेहतर आए, और उसका इंपैक्ट यह हुआ कि डॉलर का इंडेक्स मजबूत हो गया जिससे गोल्ड पर निगेटिव दबाव बना, क्योंकि मार्केट को यह लगने लगा कि आगे अमेरिका में ब्याज दरें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ने का इकोनॉमी पे कोई बड़ा डेंट पड़ा नहीं है, लिहाजा फेड का एग्रेसिव अप्रोच आगे कंटिन्यू रहेगा, ये मार्केट चल